नंबर में है नुव्वोस्तानंत नैनुदंतना, जो 2005 में रिलीज हुई थी। बजट था 6 करोड़, कलेक्शन किया था 24 करोड़, और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। दो नंबर में है पोर्नामी, जो 2006 में रिलीज हुई थी। बजट था 15 करोड़, कलेक्शन किया था 17 करोड़, और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। तीन नंबर में है पोकिरी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। बजट था 12 करोड़, कलेक्शन किया था 100 करोड़, और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। चार नंबर में है शंकर दादा जिंदाबाद, जो 2007 में रिलीज हुई थी। बजट था 25 करोड़, कलेक्शन किया था 56 करोड़, और इसको सुपरहिट का टैग मिला था। पाँच नंबर में है बिल्लू, जो 2009 में रिलीज हुई थी। बजट था 19 करोड़, कलेक्शन किया था 20 करोड़, और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। छह नंबर में है वॉन्टेड, जो 2009 में रिलीज हुई थी। बजट था 52 करोड़, कलेक्शन किया था 87 करोड़, और इसको हिट का टैग मिला था। सात नंबर में है एनजीएम करार, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट था 15 करोड़, कलेक्शन किया था 22 करोड़, और इसको एवरेज का टैग मिला था। आठ नंबर में है वेदी, जो 2011 में रिलीज हुई थी। बजट था 20 करोड़, कलेक्शन किया था 20 करोड़, और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 9 नंबर में है राउडी राठौर, जो 2012 में रिलीज हुई थी। बजट था 77 करोड़, कलेक्शन किया था 203 करोड़, और इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिला था। 10 नंबर में है रमैया वस्तावया, जो 2013 में रिलीज हुई थी। बजट था 38 करोड़, कलेक्शन किया था 38 करोड़, और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 11 नंबर में है आर राजकुमार, जो 2013 में रिलीज हुई थी। बजट था 58 करोड़, कलेक्शन किया था 101 करोड़, और इसको एवरेज का टैग मिला था। 12 नंबर में है एक्शन जैक्सन, जो 2014 में रिलीज हुई थी। बजट था 93 करोड़, कलेक्शन किया था 90 करोड़, और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 13 नंबर में है सिंह इज ब्लू, जो 2015 में रिलीज हुई थी। बजट था 91 करोड़, कलेक्शन किया था 149 करोड़, और इसको फ्लॉप का टैग मिला था। 14 नंबर में है दबंग 3, जो 2019 में रिलीज हुई थी। बजट था 125 करोड़, कलेक्शन किया था 230 करोड़, और इसको हिट का टैग मिला था। 15 नंबर में है राधे, जो 2021 में रिलीज हुई थी। बजट था 125 करोड़, कलेक्शन किया था 450 करोड़, और यह मूवी OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई थी।